और आपको गिनने हैं कि वो कितने हैं, ठीक है। तो छः, हो गए। तो नेचुरली हम जब भी गिनना काउंट करना चालू करते हैं हमेशा एक से चालू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बार करते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स, क्यों? क्योंकि नेचुरली जब भी हम काउंट करना चालू करते हैं एक से ही करते हैं। आपसे बोले गिनो क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एक दो तीन, आपने कभी गौर किया? नहीं किया कब? जब भी हम नेचुरली, नेचुरल चीज़ है प्राप्त, नेचुरली हम बोलो, कोई बोले उठो क्लास के बच्चे गिनो, तो वो करेगा एक दो तीन, है कि नहीं? तो नेचुरली हम जब भी काउंट करना चालू करते हैं हमेशा एक से करते हैं। तो जो एक से नंबर चालू होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। पुराने ज़माने में इन नंबर्स के सिम्बल्स नहीं थे, लोग क्या करते थे कि इनकी जगह लाइन खींचते थे। मान लो एक सेब है तो एक लाइन खींची, दो है दो खींच ली, तीन चार पाँच छः ऐसे लाइन बना लेते थे, ठीक है। फिर लाइन के नाम रख दिए किसी ने कि भाई इसका नाम एक है, पहले लाइन का नाम एक है, दूसरे का दो है। फिर ये सारे नंबर्स जो हैं एक लाइन पे जमा के रखे गए, उस लाइन का नाम रखा नंबर लाइन संख्या रेखा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 अपन ने जमा दिए हैं लाइन से, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो लोग बोला बस बात खत्म, गिनना था उस समय, बहुत प्राचीन बात है। फिर क्या बात है यहाँ पर कि एक नया कंसेप्ट आया। आप बताइए कि इस बक्से में कितने सेब हैं? देख तो लो पहले, सात हैं। अब मैंने यहाँ पे दो सेब निकाल दिए, बताइए बक्से में कितने सेब? पांच सेब हैं। एक है, अब कितने सेब हैं? लेकिन अभी तो कुछ ऐसा था नहीं, अब उनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो रही थी। तो अभी अपने पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के लिए रिप्रेजेंट किया किससे? जीरो से। अब चूंकि 1 2 3 का नाम प्राकृतिक संख्या रख चुके थे, अब एक नई आवश्यकता आ गई, तो फिर अपन को उस समूह में, उस समुच्चय में एक नया नंबर जीरो क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा। और फिर ये नया समूह हमें मिला, समझ गए? टीम पहले बन गई थी, एक दो तीन चार पाँच की टीम बन चुकी थी। फिर क्या करना पड़ा? उनको एक नौ खिलाड़ी ऐड करना पड़ा, काम नहीं चल रहा। तो फिर नई टीम का नाम अपन ने क्या रखा? पूर्ण संख्याएं। क्या नाम रखा? पूर्ण। लोगों को लगा गया कि अब संख्याएं पूर्ण हो गई, अब अपन को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा आगे जाके परेशानी हुई, जब क्या आया? योग और अंतर। अब योग और अंतर कंसेप्ट बहुत सिंपल है, क्यों किया जाता है योग और अंतर? आपने अपने जीवन में बहुत बार योग और अंतर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हो, भैया देवी जी के मंदिर पर आ गए, है ना, कह लगे बस उतर सर पांच घर आगे जाओ, साहू की दुकान में ले, ठीक है। पांच घर आगे गए साहू की दुकान के लिए, आओ साहू की दुकान में ले गई, कह ले बस अब दो घर आगे हमारा घर है। तो पांच घर प्लस दो घर, समझ में आया? वहाँ से बताना पड़ता है। तो बोले भैया आप एक काम करो, दस घर जाओ, कह देवी जी के मंदिर, कह ले पहुँच गए देवी जी के मंदिर, बोले हाँ, बोले अब दो घर पीछे आ जाओ, कह ले अरे यार तुम कैसे, कह ले भाई और कहा बताते हम तुम्हें, दो घर पीछे आ जाओ मतलब माइनस। तो ये योग और अंतर, ये छोटे बच्चों को पढ़ा जाता है, आपको भी लग रहा है क्या छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं? छोटे बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि आपको पता ही कुछ नहीं है। बस मैंने बोला एक दो तीन नेचुरल, आधा को पता तो है कि नेचुरली हम जब भी काउंट करना चालू करते हैं हमेशा एक से, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जीरो की आवश्यकता पड़ी सो जीरो ऐड किया, ना कि मन से ऐड किया। जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसको नंबर लाइन पे ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको योग और अंतर समझाने के लिए मारियो आई। मारियो खेले हो कभी? नहीं खेले वीडियो गेम, शायद ना खेले हो। सपोज अपन को करना है 2 + 3, क्या करना है? 2 + 3। तो पहले ये भैया जाएंगे कितने कदम? दो, एक दो, दो कदम चलेगा, प्लस थ्री कितने कदम जाएंगे? तीन, एक, हाँ चलने दो भाई थोड़ा टाइम लगाते हैं, एक दो तीन, कहाँ पहुँच गए? 2 + 3 कितना होता है? ऐसे अगर आपको माइनस करना है, मतलब 5 - क्या करना है? 3। तो पहले भैया कितने कदम जाएंगे? 1 2 3 4 5। फिर क्या लगा? माइनस का मतलब होता है कि मुड़ जाओ, मुड़क जाओ, मुड़क गए। अब कितने कदम जाएंगे? 1 2 3 कहाँ पहुँच गए? 2 पहुँच गए, इसलिए 5 - 3 क्या होता है? 2 होता है। अब आप इस पे गौर करिए, क्या लिखा है? 3 - 5। तो पहले कितने कदम जाएंगे? 1 2 3। अब माइनस लगा तो मुड़ जाएंगे, फिर
एक दो तीन चार पाँच, लेकिन यहाँ तो कुछ तो अगर हम योग और अंतर को रखना है अपने कंसेप्ट में तो हमें कुछ नई संख्याओं की आवश्यकता है ना, इस तरफ भी, तो इनका नाम है ऋणात्मक संख्याएं, समझ गए। तो अब टीम में और प्लेयर भर्ती कर दिए, अब उनको लगा कि संख्याएं पूर्ण हो गई हैं, लेकिन अब संख्याएं तो और आ गई, तो अब इस नए समूह का नाम उनने रखा पूर्णांक संख्याएं। क्या नाम रखा? इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और आई से प्रदर्शित नहीं करते, जेड से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आई मिल गया है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अभी आप वास्तविक पढ़ रहे हो, इलेवेंथ में आप काल्पनिक पढ़ोगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? इसमें जीरो और ऐड कर दिया तो क्या बन गई? प्राकृतिक पूर्ण संख्या। और जब माइनस वाली और ऐड कर दी तो पूर्णांक। क्या बन गई? क्या बने? जबरदस्ती बनाई है? नहीं, जैसी जरूरत वैसा काम। तो ये हो गया सब, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पूछते हैं, कितना काम महंगे। अपने पास चार दोस्त हैं, अपन बाजार में टॉफी खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं? टॉफी। तो अपन गिन लेंगे उस दिनों, एक दो तीन चार, तो चार टॉफी ले आएंगे, एक दो तीन चार, हो गया बर्थडे, समझ गए। अब आप सोचो कि आपके दोस्त बड़े खतरनाक हैं और वो बोले कि हमें टॉफी नहीं खानी है, हमें पिज्ज़ा खाना है। क्या खाना है? पिज्जा। तो सब चार पिज्जे मंगा लें? क्यों, एक मिनट, चार मंगा लें कि नहीं मंगा लें? क्यों, क्या दिक्कत है? कितने का आता है एक पीज़? 200 रुपये का, 4 × 800 रुपये, कौन सी बड़ी बात है? नहीं मंगाए ये चार पिज्जा, आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना तो आप भी समझ गए कि हम चार तो नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 गिनती अपने काम में नहीं आएगी, अपने काम में आएगा ये आधा आधा, ये तो अपन ने देखा ही नहीं कभी। ये भी अपने काम में आएगा, चार दोस्त हैं लेकिन हम चार नहीं ला रहे थे, हम 1 2 3 4 काम में नहीं आ रहा, हमें काम में आ रहा कि आधा इसको दो, आधा हो जाएगा काम इसमें। तो जीरो और एक के बीच में भी एक संख्या है जिसका नाम है 1/2 आधा, इतने में हो जाएगा काम। 1/2 मतलब एक के कितने भाग? दो। नहीं आया सर? अच्छा, तो ये जो ये हिस्सा है इसको अपन आधा बोलते हैं, इसका नाम होता है 1/2। ये पूरा एक पिज्ज़ा और ये आधे को 1/2। क्यों बोलते हैं 1/2? क्योंकि इसके एक के आधे। अब इसका एक और टुकड़ा कर लो, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1/4। क्यों? क्योंकि अगर हम एक के क्या करें? चार टुकड़े करें। एक के क्या करें? तो ये उन चार में से एक टुकड़ा है, और इसमें एक के कितने टुकड़े किए हैं? दो। तो ये दो में से क्या है? एक टुकड़ा। नहीं आया समझ? केक में तो मन कितने कर लेते हैं? 10 × 15 जितने हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि जीरो और एक के बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इनको तो मैंने देखा नहीं। इनका नाम रखा गया परिमेय संख्याएं। क्या नाम रखा गया? परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या। अब एक समझिए, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के मध्य जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? जितने तुम्हें पीस करने, 1/10 हो सकती है। उसका मतलब क्या हुआ? 1/10 का मतलब क्या हुआ कि एक चीज के 10 पीस करें, उसमें से एक टुकड़ा उठाया, वो क्या कहलाएगा? 1/10। समझ आया? 1/100 हो सकता है, हो सकता है। जब हमारे कोचिंग में पार्टी होती है तो हम एक केक के 300 टुकड़े करते हैं। कितने करते हैं? 300। बच्चे 300 हैं, 50 केक थोड़ी ले आए, तो 1/300 एक केक के 300 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा ये। समझ गए? ये परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, आप जितने चाहो उतने टुकड़े कर सकते हो। मतलब जीरो और एक के बीच भी अभी और टुकड़े आप कर सकते हो, भले आप कितने बार हो। सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्या है परिमेय संख्या? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, क्या कहलाती हैं? एग्जाम्पल के लिए 1/2 बताया, 2/3 बताया, कोई भी हो सकती है। अब तीन क्या है बताइए, तीन क्या है? प्राकृतिक संख्या। तीन क्या है? तीन को हम लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या जो है वो परिमेय संख्या भी हो गई। जिस को अपन क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या है? परिमेय। अब देखो -4 क्या है? पूर्णांक। कौन सी है? उसको अपन लिख सकते हैं -4/1। तो ये भी क्या हो गई? जीरो काय में आता है, पूर्ण में जीरो क्या लिख सकते? 0/1। तो ये भी क्या हो गई? तो मतलब ये जो तीनों अपन ने पढ़े वो सब काय में आ गए।
पढ़ी है। अब इसको समझाते हैं। सपोज समझिएगा, जैसे कि कोई क्या हो गया, जैसे कि कोई बंदा, मान लो हम ही अभिषेक सर गांधी चौक बाड़ में रहते हैं, क्या ये कथन? हाँ, अच्छा, तो अभिषेक सर मध्य प्रदेश में रहते, सही कौन सा है? सब सही है। अभिषेक सर भारत में रहते, तो अब दो मिनट समझना मेरी बात को। देखो, परिमेय संख्या के अंदर ही कौन है? पूर्णांक। और पूर्णांक के अंदर ही कौन है? और पूर्ण के अंदर ही कौन है? तो बताओ एक क्या है? पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, परिमेय नहीं है। जो गांधी चौक बाट में रह रहा है वो सागर में भी रह रहा है। पूर्ण नहीं, पूर्णांक नहीं, परिमेय नहीं। जो गांधी चौक बाट में रह रहा है वो सागर में भी रह रहा है। सागर में रहा तो मध्य प्रदेश में भी रह रहा, मध्य प्रदेश में रह रहा। अब बताओ जीरो क्या है? पूर्ण। पूर्ण से बड़ा कौन था? पूर्णांक। जीरो पूर्णांक नहीं है, उसी टीम को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और जीरो परिमेय, परिमेय ये समझो कि जो प्राकृतिक है वो पूर्ण भी है, जो उल्टा होती है नहीं, हाँ सही, जो प्राकृतिक है वो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। जो पूर्ण है वो पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, और पूर्णांक है वो भी है परिमेय। सबसे बड़ा डेपा किसका है? परिमेय। फायदा है हर प्राकृतिक संख्या क्या है, हर पूर्ण क्या है, हर पूर्णांक की क्या है, समझ गए ना? सागर में रहे वो भी तो भारत में रहे, तो मैं तुम्हारी तो नहीं रहे वो भी तो भारत में रहे, समझ गए ना? नहीं समझे पक्का? तो आओ मैं वापस आ जाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। जो आपने 1 2 3 पढ़ा वो सबको बन दो क्या लिख सकते? 2/1। टीको क्या लिख सकते? 3/1। वो सब क्या है? परिमेय। सभी पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय। और सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय। एक बार समझ गए तो बताइए, ये पूरी लाइन, पूरी लाइन क्या है? परिमेय संख्या। पूर्णांक अच्छा बीच में नहीं होगा, लाइन के बारे में होगा नहीं कोई बीच में, तो लोगों को लगा कि अब हमने पूरी लाइन कर दी है, पूरी लाइन क्या कर दी है? लेकिन गलत है, कुछ और बीच में छुपी है जो परिमेय नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो संख्या आप किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, वो सब क्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए 0.15, इसको हम लिख सकते 15 2 0, समझ में आया? तो ये P/Q के रूप में लिखी है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, ये गलत है। लोगों को लगा लिखी तो है बटे में, बस वही तो अधूरा ज्ञान है।
असल में ये कटने नहीं चाहिए, जो P और Q हैं वो कटने नहीं चाहिए। इसका असल असली नाम भी बताएंगे, पर अभी समझ लो ये काय से कट जाएंगे बेटा, पाँच से कट जाएंगे, पाँच त्री पाँच, तो ये गलत है और ये इसकी परिमेय संख्या ये है, समझ पाए? तो सर ये वही तो है, नहीं वही नहीं है, ये कट रहे थे। तो एक्चुअल में चीज़ क्या है, पंद्रह जो है, जब पंद्रह के हम इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आते पाँच त्री, और बीस के करोगे तो पाँच दो दूनी, पाँच दूनी दस दूनी बीस, सुन रहे कि नहीं, और बीस पच्चीस सौ हो गया। तो ये पाँच दोनों में क्या है, ये नहीं चलेगा, मतलब P बटे Q चलेगा, पर P और Q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या होता है, वो संख्याएं जिनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं समझिएगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है, है कि नहीं है, नहीं है, क्या कटेगा बताओ जरा, फिर कैसे? तो आप देखिए, पंद्रह के गुणनखंड होते हैं दो ती पाँच पंद्रह, आठ के होते हैं दो दूनी चार दूनी आठ, ना तो ये अभाज्य है ना तो ये अभाज्य, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सह अभाज्य, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और जब इनका भाग दोगे तो कुछ भी कटेगा नहीं। नहीं आ रही बात समझ में, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं दो संख्याएं लिखूंगा, आपको बताना है वो सह अभाज्य है कि नहीं है, तैयार? चलो अठारह और आठ अभाज्य तो कोई नहीं है इनमें से, सह अभाज्य की बात कर, भाज्य अभाज्य पहले पढ़ा चुके हैं बेटा, है ना, सह अभाज्य हैं कि नहीं, क्यों नहीं, दो से कट जाएंगे, दो से है ना, तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अठारह गुणनखंड दो तीन छः त्रि अठारह, ये पी हो गया, और ये क्यू दो दूनी चार दूनी आठ, जब इनका भाग दोगे तो दो से दो क्या हो जाएंगे, तो ये सह अभाज्य, तो कोई एक संख्या सह अभाज्य नहीं होती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आठ और पंद्रह क्या थे, सह अभाज्य, लेकिन यहाँ आठ अठारह नहीं है, तो आठ कुछ नहीं है, आठ अलग है, सह अभाज्य दो की बात होती है, कितने की बात होती है, दो, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वो सह अभाज्य हैं, वो अगर कुछ कॉमन है तो वो सह अभाज्य नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते सर एक लिख लूँ ना सर, आप एक तो दोनों में कॉमन, अभी तो एक कैंसिल होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ आया ना, तो एक तो कॉमन सब में रहता है, एक तो कॉमन सब में रहता है, तो सह अभाज्य क्या है, जिनमें कुछ कॉमन ना हो। अब एक और लिख रहे हैं, बोल लिखें कि नहीं लिखें, अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P बटे Q में P और Q क्या होती है, सह अभाज्य, उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए, अपन ने बोला कि परिमेय संख्या है ये A बटे B, क्या है A बटे B, तो क्या A का मान 12 और B का मान 8 हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब इसको लिखोगे 12 बटे 8 तो ये 4 तिरी 12 4 दूनी 8, तो ये 12 और 8 क्या नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, इनमें 4 कॉमन है, 4 तिरी 12 4 दूनी 8, समझ गए, तो कौन कहलाती सह अभाज्य, जिनमें कुछ कॉमन नहीं, एक तो सब में कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, सह अभाज्य हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या में जो a बटे b में जो a और b होते हैं वो असल में क्या होती हैं, सह अभाज्य। तो अगर कहीं पर लिखा है 12 बटे 8 तो ये सही नहीं है, इसको काटना पड़ेगा, 4 3 12 4 2 8, अब तीनों दो सह अभाज्य हैं, हाँ तीन और दो क्या है, सह अभाज्य, इसलिए 3 बटे 2 परिमेय संख्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी, लेकिन 12 बटे 8 सही नहीं मानी जाती। समझ में आ रही बात कि नहीं, फालतू बात कर दी कि नहीं कर दी जबरदस्ती, सबको समझ में आया, तो कौन बताएगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देख लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं अपन। ए मान लीजिए, ए कोई संख्या है 12, दो दूनी चार तिरी 12, बी है 8, दो दूनी चार दूनी 8,
ये दो कॉमन, ये दो कॉमन, क्या नहीं है? ए बराबर 15, ती पांचे अब हैं, अभी तो बोले थे 8 नहीं। पहली बात तो एक संख्या की बात है, नहीं बात अभी तक दो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, क्या आप इनका एस सी एफ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं है। क्या आ गया एस सी एफ? ए नहीं आया, समझ किए अपन ने सवाल के? नहीं तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनको वाकई काफ़ी फायदा रहता है, ऐसा नहीं है तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पर चल जाएगा। सबको समझ में आया? तो यदि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है, या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या है? एक, तो वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। याद रखोगे, लिखेंगे सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश, देखो हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ये ज्ञान होना बहुत क्या है, जरूरी है। सहभाज्य इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सहभाज्य संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या ए बटे बी जो होता है उसमें ए और बी क्या होते हैं? सहभाज्य। लिखिए यदि एस एक परिमेय संख्या है, एस क्या है? एक ठीक है, एस बराबर है ए बटे बी, तो परिमेय संख्या होने की दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? पहली शर्त तो मैंने आपको बताई थी, ए व बी सह अभाज्य संख्या, मतलब दोनों में क्या नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें पेपर में आया कि 0.375 को आप लिखिए किसके रूप में? परिमेय संख्या। तो 375 कितने हैं? 1, 2, 3, कोई दिक्कत? क्या ये हमारा आंसर है? क्यों क्यों? क्योंकि 375 और 1000 में भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? कॉमन, और 375 और 1000 सह अभाज्य नहीं है। परिमेय संख्या वो है जिसमें ए और बी क्या है? सह अभाज्य। समझ रहे अभी भैया? 5 से काटो 5, 7, 5, 7, कोई दिक्कत? 2, 5, 25, 5 में सही है, ये हमारा आंसर है क्या? क्यों नहीं है? 5 से और कट जाएंगे, चलो 5 एकम 5, 5, 25, 5 चौके 20, क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? क्योंकि 15 और 40 सह अभाज्य वो कटेंगे, और तो काटिए 5, 3, 5, क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? क्योंकि 3 और 8 क्या हैं? सह अभाज्य है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आया? अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, 1.625 1.1625, कितने जीरो हैं? 3, क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? क्योंकि 1625 और 1000 क्या नहीं है? सह अभाज्य नहीं है। चलिए 5, 3, 5, 2, 5, 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
25 और 200 सह अभाज्य नहीं है। पांच छक्का 20, पचम 25, पंचोके 20, क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? क्योंकि 65 और 20 सह अभाज्य नहीं है। पांच एकम 5, त्रि 15, पांच अट्ठे, क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? 13 और 8 क्या है? सह, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पक्का? एक से कट जाएगी, देखो एक अट्ठे आठ और एक, वो तो वो ही आएगा ना, एक तो हमें कॉमन रहता। चलो आगे चले हम, अरे थक जाते हो तुम लोग, थक जाते हो ना। 0.104 इसको लिखेंगे, 0.104 और आगे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1000 क्या ये हमारा आंसर है? क्यों? 104 और 1000 सहभाज्य नहीं है, ये दो से कटेगी। 2 × 5 = 10, क्या ये हमारा आंसर? क्यों?
बावन और 500 से अभाज्य नहीं है। दो दुनी चार। क्या ये हमारा आंसर? दो एकम दो, दो एकम दो, दो दुनी चार। क्या ये हमारा आंसर? हाँ, क्योंकि 13 और 125 क्या है? 6। समझ में आया मात? एक बेटा आखिरी चीज, और अगर s बराबर a बटे b है तो b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्योंकि हम 0 से भाग नहीं दे सकते, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो बता दें। yes, सुन लो क्या लिखा है। 70। ये पूछ रहा है कि 3 को कितनी बार जोड़ेंगे 6 आ जाए, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। क्या लिखा है? 70। ये क्या पूछ रहा है? 2 को कितनी बार जोड़े की 6 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 3। क्या लिखा है? क्या बोल रहा है? 1 को कितनी बार? 6। क्या पूछ रहा है? बोलिए, यहाँ ध्यान लगाइए बच्चों, यहाँ पढ़ने आए हैं आपको, बोलिए। 0 को कितनी बार जोड़े की 6। कितनी बार बताइए? कितनी बार जोड़े? कितनी बार जोड़े? तो ये बस ये मत बोला करो अनंत बार जोड़े। अनंत कोई संख्या नहीं। मैंने कॉल दिया, अपन को नहीं पता रहता क्या आएगा इसका आंसर, तो मैं लिख दे अपरिभाषित। अपरिभाषित का एक सिंबल बना दिया अनंत, और लोग उसको नंबर मान रहे हैं। अनंत कोई संख्या थोड़ी है, अनंत का मतलब होता है आप, हमें नहीं पता। तो 0 को जोड़ते जाएंगे लेकिन 6 कभी नहीं, इसलिए बटे में 0 होता है तो आंसर नहीं आता। इसलिए यहाँ बोला है कि a बटे b में b 0।